सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। इस वीडियो में मैं बताऊंगा नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन क्या होता है, उसके बाद बताऊंगा कितने मार्क्स का आता है, फिर चार्ट, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मार्क्स बता दूं, ये करीबन 4 मार्क का आ सकता है या टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी का एक हिस्सा हो सकता है। तो ये 4 मार्क का आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ जब आंसर शुरू करोगे तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी का ये चार्ट जरूर ड्रॉ करना, कोई भी एग्जाम रहा, कोई भी कॉलेज रहा, कहां पे भी हो। क्या होता है, चार्ट से एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, तो ये चार्ट जरूर ड्रॉ कर लेना। नाउ हम शुरू करते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन या नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन होता क्या है। आप लोगों ने रोटरी क्लब का नाम सुना है, रोटरी क्लब, रोटरैक्ट क्लब, लायंस क्लब का नाम सुना है। नाउ सबसे पहले ध्यान से सुनो, नाउ ये संस्था का उद्देश्य प्रॉफिट नहीं रहता है, सेवा रहता है। ये लोग मेंबर से सब्सक्रिप्शन लेते हैं पर हेड, इट कैन बी 100, 200, 500, 1000, और सर्टेन इन दूसरे संस्थाएं कैन गो इन टू बिग थाउजेंड एंड लैक्स ऑल्सो। सो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जिसको चलाता है मैनेजिंग कमिटी। इसमें शेयर्स नहीं होता, इसमें सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को चलाने के लिए मैनेजिंग कमेटी को मीटिंग्स करना पड़ता है, फैसले लेने पड़ते हैं, इनके प्रोग्राम्स होते हैं, गवर्नमेंट के कायदे रहते हैं, क्योंकि इनको टैक्स लगता नहीं है। सेक्शन 11, 12, 13 इनकम टैक्स एक्ट 61 इनके इनकम को माफ करेगा, क्योंकि इनका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं है, सेवा है। लेकिन जो अकाउंट्स है वो तो मेंटेन करना पड़ेगा, इफ नहीं मेंटेन किया तो 30% टैक्स लगता है। तो आई होप समझ में आया कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज फॉर्म फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ऑब्जेक्ट, अच्छा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव सर्विस है, बट हाउ डू यू गिव सर्विस? इट कैन बी अ स्पोर्ट्स क्लब, इट कैन बी अ कल्चरल क्लब। अब तुम्हारा मस्जिद का भी वो एक अलग रहता है, कुछ लोग लाफिंग क्लब होता है, क्लब कैन बी एनीथिंग, बैडमिंटन क्लब, बहुत, जैसे मैंने टेनिस का वो नासिक डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन में एक समय में खेलता था जब टाइम था। तो ये सब नॉन फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन आएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी बोलते हैं, इसका जो अकाउंटिंग है वो 12th में है, इनको रिसीट और पेमेंट अकाउंट रखना पड़ता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर इनका इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनता है। सो इंट्रोडक्शन, पहली बात तो नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन को सेक्रेटरी का अपॉइंट करना कंपल्सरी नहीं है, दे मे अपॉइंट एंड दे मे नॉट अपॉइंट, लेकिन इनके जो कामकाज रहते हैं, मीटिंग्स होते हैं, ये सब के लिए सेक्रेटरी लगता है। कायदे से कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई बोलते ना स्पेसिफिक नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन एक्ट नहीं है, लेकिन इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू अपॉइंट अ सेक्रेटरी जो अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं और जो सर्विस दे सके नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन जो मेंबर्स को देता है। इसके जो लोग रहते हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं। हर एक मेंबर सब्सक्रिप्शन का पैसा देता है 100, 200, 500, 1000, जिससे वो कलेक्शन होता है और उस पैसे से ये लोग चलाते हैं। नासिक में एक क्लब है, नासिक क्लब करके, द्वारका में आया, मेरा करियर वहीं पर शुरू हुआ था। तो वहां पे हर महीने अलग अलग एक्टिविटीज होता है। अभी दिसंबर आ गया तो क्रिसमस का वो करेंगे, न्यू ईयर का पार्टी करेंगे, जनवरी में पतंग महोत्सव कुछ करेंगे, फेब्रवरी में अगेन दे कैन हैव वैलेंटाइंस डे, मार्च में होली। सो हर महीने इनके कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं। महिंद्रा क्लब भी सुना होगा, क्लब महिंद्रा। सो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन क्या है, ये एक ऐसा संस्था है जो जिसका ऑब्जेक्टिव इज सर्विस, बट ये ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग सोशल काम करे सोसाइटी के लिए, हैंडीकैप लोग के लिए कुछ करे, कुछ लोग जैसे क्रिकेट का एसोसिएशन हो, क्रिकेट को बढ़ावा दे, तो इस प्रकार से ये काम करता है। इनको चलाने वाले जो लोग हैं उनको मैनेजिंग कमिटी बोलते हैं। मैनेजिंग कमिटी का अपॉइंटमेंट मेंबर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल 500 मेंबर है तो वो लोग 8 से 10 लोग को अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई तुम चलाओ, और उस मैनेजिंग कमिटी में एक हेड होगा, उसको हम चेयरमैन बोलेंगे। वो मैनेजिंग कमिटी चुनता है कि भाई तुम चेयरमैन हो, और ये 8-10 मेंबर्स है जो हर महीने मीटिंग करके एक्टिविटीज प्लान करेगा, चलाने का, अकाउंट्स का, सब आ जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि सेक्रेटरी का प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है।
जैसे कंपनी के सेक्रेटरी रहा तो उसको कंपलसरी सीएस कोर्स होना है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जैसे सीए कोर्स है वैसे सीएस कोर्स है, वो कंपलसरी पास करना पड़ता है। यहाँ पे कोई कायदा नहीं है, लेकिन सिंस अकाउंट्स का भी रोल आएगा और चैरिटेबल ट्रस्ट ये सब का नॉलेज होना जरूरी है, कंपलसरी नहीं है, क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट का सेक्रेटरी बनना है तो आईएएस जरूरी है, यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, सेक्रेटरी मस्ट बी फेमिलियर रूल्स एंड रेगुलेशन। जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, साल में मीटिंग जो होता है मैनेजिंग कमिटी का, साल में तो नहीं, हर 2 से 3 महीने में होता है, कभी कभार तो हर महीने होता है। फिर मेंबर्स का मीटिंग अरेंज करना पड़ता है, हॉल बुक करना पड़ता है, उनके लिए चाय नाश्ता, फिर जो डिसीजन लिए गए उसको इम्प्लीमेंट करो, अकाउंट्स, नए मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, ये सब काम करने पड़ते हैं। अब सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है तो उसको कुछ क्वालिटीज लगेगा, क्योंकि वो इतने सारे मेंबर्स के साथ डील करती है, मैनेजिंग कमिटी और चेयरमैन, तो कई बार झगड़े भी होने के चांस रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। तो वही है कि टू बी अलर्ट, टू बी इवन टेम्पर्ड, टू टॉक नाइसली विद एवरीबडी, कर्टियस, लॉयल, पंक्चुअल, ठीक है ना, इवन टेम्पर्ड, ये सब क्वालिटीज है नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरी के। अब फंक्शंस क्या है सेक्रेटरी का, मैंने जैसे बताया था रोटरी क्लब, रोटरैक क्लब, लायंस क्लब, ये लोग सब सब्सक्रिप्शन, या तो मंथली या तो एनुअल। तुम्हारा स्विमिंग स्विमिंग पूल है ना नासिक में, नासिक तरण तालाब है, सुना है, जहां पे लोग स्विमिंग, कुछ 6-7 हज़ार रुपए लगता है फॉर एनुअल मेंबरशिप, या मंथली मेंबरशिप भी होता है। तो मेंबरशिप फीस कलेक्ट करना, क्योंकि कलेक्ट करके रिसीट देना, और फिर वो रिसीट और पेमेंट अकाउंट में जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनता है, ठीक है ना। कनेक्टिंग लिंक, नाउ सेक्रेटरी किसकी कनेक्टिंग लिंक होगी, चलाता कौन है, मैनेजिंग कमेटी, बाकी लोग कौन है, मेंबर्स, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स के बीच में कौन आती है, टीचर, उसी प्रकार से मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के बीच में सेक्रेटरी रहती है। मैनेजिंग कमेटी का मैसेज मेंबर्स तक पहुंचाने का जवाबदारी सेक्रेटरी का रहता है। एडवाइजरी फंक्शन, जैसे मैंने बताया मैनेजिंग कमेटी के जो मीटिंग्स होते हैं तो उनको एक्टिविटीज के लिए एडवाइस करना, सब्सक्रिप्शन के लिए एडवाइस करना, ये सब काम किसका है, सेक्रेटरी का। अब मैनेजिंग कमेटी में जब डिसीजन होते हैं कि चलो अभी दिसंबर का क्रिसमस पार्टी करेंगे, केक लाएंगे, डिसीजन तो ले लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का, जैसे दिवाली का फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, लाइटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है, माइक म्यूजिक सिस्टम्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है, इवनिंग को है तो कॉफी, रात को है तो डिनर, ये सब चेयर्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे जो फंक्शंस है, ये सारे एक्टिविटीज है, ये डिसाइड हुए करने हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन, लोगों को फोन करना, डील फाइनलाइज करना, एडवांस पे करना, उसके बाद में उनको बुलाना, फिर ये पार्टी होगा उसमें सब चेयर्स आए कि नहीं, यदि मे बी ओवरनाइट कैंप है तो गादियां, कैंप जो सब लगता है ना, सब प्लान लगता है। इम्प्लीमेंट करना डिसीजंस, उसके बाद कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस किसके साथ, कोई मेंबर फोन कर रहा है या ईमेल भेज रहा है उसको जवाब देना, ठीक है ना। करस्पॉन्डेंस मैनेजिंग कमिटी के साथ, मेंबर्स के साथ, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई टैक्स लगना है यदि फॉलो नहीं किए गाइडलाइंस, तो ये सब करना पड़ता है। कंडक्टिंग मीटिंग्स, मीटिंग्स 2 प्रकार से होगा, दो भी नहीं 3 प्रकार से होगा, एक मैनेजिंग कमिटी का मीटिंग होगा, मैनेजिंग कमिटी में हो सकता है कि दिवाली का अलग से कमिटी बनाए, दिवाली क्रिसमस, तो उनका मीटिंग, उसके बाद मेंबर्स का मीटिंग। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, एक जैसे हमारे बिल्डिंग में जहां आई स्टे देर आर 170 फैमिलीज, ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर चेयरमैन और मैनेजिंग कमिटी है, मैं तो टीचिंग में हूं तो मेरे पास टाइम रहता नहीं है। वहां पे मैनेजिंग कमिटी के मीटिंग्स चलते रहते हैं। फिर अभी दिवाली का अलग मीटिंग हुआ, जो कमिटी मीटिंग था दिवाली के लिए, सिलेक्टेड लोग जो बनाए थे, उसके बाद हमारा मेंबर्स का भी महीने में एक आध बार हो सकता है या 2 महीने में 1 बार, लेकिन जो मैनेजिंग कमिटी का है वो हर हफ्ते 2 हफ्ते में मीटिंग करता रहता है। मीटिंग्स रखना पड़ता है। अकाउंट्स, मैंने ऑलरेडी बोला था, अकाउंट्स नहीं मेंटेन किया तो इनकम टैक्स लग जाएगा। साई बाबा संस्थान, जो तुम्हारा धर्म मस्जिद का जो ग्रुप है, उनको टैक्स लगता नहीं है, लेकिन अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है और वो सबमिट करना पड़ता है। और लास्ट में एक्टिंग एज पीआरओ। पीआरओ क्या होता है, अभी इन लोगों ने डिसीजन लिया कि वो बोलते हैं ना खाना खिलाना है गरीबों को, तो पब्लिक को बताना होगा कि इस तारीख को प्रोग्राम है, जहां पे आओ। आई थिंक तुम्हारे मस्जिद में रेगुलर होता है ना ये,
तो लोगों को बताने का काम सेक्रेटरी का है, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की, क्या क्या एक्टिविटीज प्लान्ड है। मेंबर्स को तो नॉर्मली मेंबर्स का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, लेकिन पब्लिक को कुछ बताना है अब वाया मीडिया, ईमेल या न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देना, टेलीविजन को इंटरव्यू देना, ये सब सेक्रेटरी की जवाबदारी। चेयरमैन ये सब नॉर्मली नहीं आते हैं। सेक्रेटरी डील्स विद एवरीथिंग, बट चेयरमैन डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द मैनेजिंग कमिटी। सो समझ में आया, सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। सो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।